गुरु खालसा साध संगत जी, सब तो पहला ता गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का बख्शिश किया होया नारा सानू बख्शिश की हुई फतेह बुलंद करिए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारी तंता दे योगों बड़भागे हो जिहड़े 7 जनवरी तो लगातार कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच हाजरियां भर रहे हो, अपने जीवन नूं सफल बना रहे हो। 7 जनवरी तो लगातार लखां ही सिख संगतां इस मोर्चे दे विच शामिल होईयां ने ते हो रहीयां ने, ते लगातार बंदी सिंघां दी रिहाई तक ये मोर्चा निरंतर जारी रहेगा। जिन्ना चिर सरकारां बंदी सिंघां नूं रिहा नहीं कर दिंदियां, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बेअदबी दा इंसाफ नहीं दे दिंदियां, बाइबल कलां कोट कपूरा जिहड़ा कांड होया है उत्थे इंसाफ मंग रहे सिंघां उत्ते गोलियां चला के उन्हां नूं शहीद किया गया है, उन्हां दे दोषियों नूं सजावां नहीं हो जांदियां, उन्हां चिर ही मोर्चा लगातार जारी रहेगा। तो आने वाले समय के इस मोर्चे ने होर चढ़ती कला दे विच हो जाना है। जिस तरह बापू जी ने दसिया है कि प्रोग्राम जिहड़े मोर्चे वालों उलीके गए ने 20 तरीक न जिहड़े जिला हैडक्वाटर ने उत्थे पंजाब सरकार ते सेंटर सरकार दे पुतले भी फूके जाने ने, अते जिहड़ा अगला प्रोग्राम है जुलाई का जिन्हें भी टोल प्लाजे ने सारे बंद करने ने, ते तीसरा 15 अगस्त का प्रोग्राम जिवें 26 जनवरी नूं इत्थे लखां दी गिणती दे विच सिख संगतां आईयां ने, हुण भी तैयारियां खिचो। ये संगतां 15 अगस्त नूं भी पूरी चढ़दी कला दे विच लखां दा इकट्ठ होवे तां कि सरकार नूं मजबूर हो के जिहड़े साडे ये मंगा ने ये तुरंत मनिया जाण ते इंसाफ दिता जावे। जो भी सरकारां इत्थे पंजाब दे विच आईयां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे उत्ते सियासत करी, चाहे बादल की होवे, कांग्रेस होवे, आप होवे, भाजपा होवे, कोई भी होवे, सारयां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल कोझे मजाक कीते ने। आ पिछले दिनी एक मजाक होया साढ़े नाल सिख कौम के जख्मां दे उत्ते नूण छिड़किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा दोषी जिहड़ा साजिश करता सी संदीप बरेटा उहनूं पुलिस ने अंदौर फड़ लिया, तो खबरां आ गईआं सिखां ने कहा चंगा होया। तो फिर दूए तीए दिन उत्थे पंजाब सरकार गई, उत्थे पंजाब पुलिस गई, कहिंदे उह तां नकली सी, उह नहीं हैगा, देखो ये साढ़े उत्ते नूर नहीं सिड़कते, साढ़े जख्मां दे उत्ते होर की करते ने। मैं पुलिस नूं कहना चाहुंना, पंजाब सरकार नूं कहना चाहुंना, आ हुण जदों साढ़े उत्ते इन्हां ने परचे करने हुंदे ने झूठे जाली, उदों तां बड़ा सानूं खिच खिच के लैंदे ने, साडे परिवारां नूं भी चक्किया जांदा है, साडियां धीआं भैणां दी भी बेइज्जती कीती जांदी है, कुटमार कीती जांदी है, रिश्तेदार भी फड़े जांदे ने। फिर आ संदीप बरेटिया वर्गियां दे जिहड़े ने गुरु साहिब दी बेअदबी दे जिहड़े दोषी ने साजिश करता ने, पर पुलिस प्रशासन उहनां दे परिवारां नूं कदों चक्कूगा, ये सानूं जवाब देवे पंजाब सरकार, पुलिस जवाब देवे। जिस दिन इत्थे मेरे उत्ते दबाव पाया गया सी भी तुसीं इत्थों मोर्चे तो चले जाओ, उदों मेरे परिवार नूं चक्किया गया, मेरी 75 साल की माता है उहदे बट मारे गए, थप्पड़ मारे गए, भतीजी 8 साल की उहदे थप्पड़ मारे गए, ते हुण उहनां वेले की तुहानूं सप्प सुंघ गया। संदीप बरेटिया वर्गे ने 8-8 साल तो जिहड़े भगौड़े ने, जे अमृतपाल सिंह की गल करिए उहने किहड़ा बंब छिड़ता सी, अमृतपाल ने उहने किथे गोली चला के बंदे मारते, की करता अमृतपाल ने, जे उहने अमृत छकाया नशियां दी दलदल चों नौजवान कढे
एनएसए ला के डिब्रूगढ़ की जेल दे विच भेज दिता ते एक महीना भाई अमृतपाल सिंह रूपवास रहा है जिथे जिथे रुकिया है जिथे जिथे गया है पुलिस ने उथे सारी बीबियां चकिया सारी नौजवान फड़े कोई भी परिवार का बंदा नहीं छड़िया। मैं हुण पुलिस नूं कहना चाहुंदा है पंजाब सरकार नूं कहना चाहुंदा है भी संदीप बेटे दे परिवार नूं कदों फड़ोंगे जिहड़े बेअदबी दे साजिश करता ने उहनां दे परिवार कदों चकोंगे तुसीं साडे ते ही इह तसद्दद कारना जाणदे हो सानूं बराबर दे हक नहीं दित्ते जांदे। मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा है जे तुसीं सानूं नाल रखणा है सानूं बराबर दे हक दिओ कदों किहड़े हिसाब दे नाल तुसीं बंदी सिंघां दी रिहाई करोगे दसो किहड़ा तरीका अपनाया जावे आ तरीका गलत है। असीं संविधान दे मुताबक कानून दे मुताबक इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं असीं मोर्चा लाया होया है ते सरकार दसे भी हुण असीं किहड़ा राह अपनाईए क्यों साडे नाल सिख कौम दे नाल खिलवाड़ कीता जांदा है क्यों सानू तंग किया जाता साढ़े नौजवानों फड़ के जेलों के दिता जाता है साढ़े परिवार चके जाते हैं साढ़े रिश्तेदार चक नहीं बख्शे जाते जेड़े साजिश घड़ता ने उन्होंने अजे तक पुलिस उन्हों तक पहुँच भी नहीं सकी उन्होंने परिवार फड़ो आप ही आ जाएंगे हथ न सारे चको उन्होंने परिवार चको उन्होंने रिश्तेदार की गल असी सिखी देना तुहानू साडे परिवारां दे उत्ते तुसी सिद्ध कण जाणदे हो ये दूरे मापदंड नहीं खालसा जी होर की गल है कदों जागांगे साडे विच कोई इक कमी है जिहड़े साडे पंथ दे लीडर चाहे वह धार्मिक होण चाहे सियासी लीडर होण उन्होंने सदा ही पंथ दे पिठ दे विच सुरे मारे ने सारिआं ने दगे कीते ने अज भी जिहड़े पंथ दर्दी कहिंदे आ सानू पंथ दा असी पंथ प्रस्ती है। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना है कदों एक प्लेटफार्म से इकट्ठे होवोंगे दसना ओ पंथ दर्दी आगू दसना कदों एक मंच से इकट्ठे होवोंगे एक प्लेटफार्म से कदों इकट्ठे होवोंगे कि हजे तुहाडा ढिड नहीं भरिया नौजवानों के उत्ते परचे दर्ज करा के नौजवानों नूं फड़ा के हजे भी होर कुछ देखना चाहते हो कौम की नस्ल कुछ ही देखना चाहते हो तुम नौजवानों मरवा चाहते हो ताही तुम अड्डो अड्ड प्लेटफार्म तैयार कर रखे ने ताही तुम एक प्लेटफार्म से इकट्ठे नहीं होंगे इस एक पता नहीं होर तुम कि कहान कराओगे ये साड़ी फुट साड़िया जड़ां दे विच बैठी रह जाती है। पंजाब सरकार ते सेंटर सरकार इसे फुट का फायदा ले रही है साढ़े आगू कदों समझणगे ते मैं सरकारां नूं कहना चाहुंदा है तुसीं भी सिख कौम नूं कदों समझोगे सानू बराबर का दर्जा दिओ कदे तुसीं सानू खालिस्तानी कहने हो कदे सानू तुसीं अतवादी कहने हो कदे सानू कुछ साढ़े उत्ते टैग लाए जांदे ने कदे तुसीं कहने हो ये देश रूही ने खालिस्तान मंगदे ने असी नहीं खालिस्तान मंगते नहीं मंगते संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले ने भी कहा सी असी कदे नहीं खालिस्तान मंगिया पर सानू हक बराबर दे दिते जान जिहड़ा आनंदपुर साहब का मता है वह लागू किया जाए आनंदपुर साहब का मता लागू किया जाए सानू साडे हक बनदे दिते जान सानू बराबर का दर्जा दिता जाए सानू सिख कौम नूं बनदा माण दिता जाए फिर जे तुसीं सानू नाल रखना चाहुंदे हो तां असीं खुश हैं। आनंदपुर साहब का मता मनो उहदे विच कोई यह नहीं हैगा भी वखरा देश नहीं सानू साडे हक मिलने चाहीदे ने ते मैं नौजवानां नूं ते लोकां नूं कहना चाहुंदा आओ कौमी इंसाफ मोर्चे की इको एक स्टेज है जिहड़ी सारे पंथ नूं इकट्ठा कर सकती है जिहड़ी पंजाब नूं नवीं दिशा वल लिजा सकती है ते लैके जावांगे नौजवानां नूं पंजाब दे लोकां नूं कहना चाहुंदा है आओ साडा साथ दिओ कौमी इंसाफ मोर्चे का साथ दिओ आपां इन्हां बंदी सिंघां नूं बाहर लैके आईए जे तुसीं नवां पंजाब सजना चाहुंदे हो जे पंजाब की चढ़ती कला चाहुंदे हो जिहड़े साढ़े अतवादियों का टैग ला रहे ने सरकारां चाहे पंजाब सरकार होवे चाहे सेंटर सरकार होवे
ਲੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਕੌਣ ਆ ਸੁਣੋ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਗਈਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਰ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੱਚਦੀ ਪੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਰਾਏ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਏ ਮਸ਼ਹੂਮ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਸੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੌਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੀਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਜਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਮਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 27 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 27 ਮਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
फिर असि खालसा राज भुल जाइए साडे हड्डां दे विच वसदा राज असी पातशाही दावे दे दार आ असी पातशाही दावा मंगदे आ ते रखदे आ इस करके तुसी साडा साथ दिओ तुहाडे साथ दी नौजवानां नूं लोड़ है आओ कौमी इंसान मेल ते बीहीरां कट के आओ असी गुरु साहब दा इंसाफ बाइबल कलां वाले दोषी नूं सजावां ते बंदी सिंघां नूं बाहर लेके आईए तुहाडे साथ तो बिना तुहाडे इकट्ठ तो बिना ये मोर्चा संभव नहीं ते मैं पंथक धिरां नूं जिहड़ियां अड्डो अड्डी आपो अपनियां डफलियां वजाउंदे ने राग अलापदे ने आओ गुरु साहब दे चरणां दे विच बैठ के एक दे विच आईए ताकि जिहड़े साडे पंजाब दे मसले ने ओह छेती हल हो जाण सारियां नूं जीओ आया सारियां दा धन्नवाद ते असीं गुरु साहब दे चरणां दे विच बेनती करांगे कि सच्चे पातशाह बंदी सिंघां दे विचों भाई गुरदीप सिंह खेड़ा उन्हां दी तबीयत खराब है अमृतसर दे हस्पताल गुरु नानक साहब दे जिहड़ा नानक साहब हस्पताल है उत्थे दाखल ने गुरु साहब कृपा करे सारे अरदास करियो कि वह चढ़दी कला दे विच हो जाण ते सरकारां उन्हां बंदी सिंघां नूं साडे विच कौम दे विच ते परिवारां दे विच छेती भेजदा करन सब दा धन्नवाद सब नूं जीओ आया भुल्लां चुक्कां दी खिमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।